गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हम बात करेंगे चैप्टर टू जो हमारा चल रहा था प्रबंध प्रक्रिया के चरण उसके कार्य जिनमें से हमने कल वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। पर प्रमुख कार्य प्रबंध प्रक्रिया कितने कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं, तो प्रमुख और एक सहायक कार्य। यानी कि प्रमुख कार्य हमने कल पढ़ा नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण और समन्वय, हमने इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं सहायक कार्य, ठीक है बेटा। ए बी पांच होते हैं हमारे पास, इनको भी हम आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं और अच्छे से इसको समझना, ठीक है। देखो सहायक कार्य यानी कि प्रमुख कार्य करने के साथ साथ ये सहायक कार्य करने भी हमें आवश्यक है। किसके अंदर? प्रबंध के अंदर यानी कि मैनेजमेंट के अंदर। अब पहला आता हमारे पास निर्णय। निर्णय का मतलब होता है डिसीजन, यानी कि किसी चीज का निर्णय लेना, किसी चीज का डिसीजन करना। यानी कि इसके अंदर हम किसी भी काम को करने या नहीं करने का डिसीजन पहले ही तय कर लेते हैं। कहने का मतलब कि आज मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं 12th क्लास में जाऊंगा और मैं आज ये इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा। यानी कि व्यक्ति ये मेरा निर्णय था और मेरा निर्णय अगर नहीं लेने का काम होता तो वो होता कि आज मैं इनमें से चार टॉपिक पढ़ाऊंगा और एक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। यानी कि ये सब चीजें पहले डिसाइड कर ली जाती है, ये सब निर्णय पहले ले लिए जाते हैं। यानी कि अब किसी कर्म का किसी संस्था के अंदर अगर फर्नीचर का काम करती है वो स्टूल बनाती है तो उन्होंने निर्णय ले लिया। सुबह से कर्मचारी आए तो उनको बोल दिया कि आज हमने निर्णय लिया है कि आज हम 40 स्टूल का प्रोडक्शन करेंगे। यानी 40 स्टूल जब हम यहाँ से कंपनी से जब घर जाएंगे हम 40 स्टूल जो है उसको हम बनाकर घर जाएंगे। तो ये एक तरह से निर्णय हो गया है, यानी कि हमें किसी भी काम करने से पहले उसका निर्णय लेना जरूरी है। दूसरा आता हमारे पास नियुक्ति करना। अब देखो वैसे तो नियुक्ति मानव संसाधनों की जाती है लेकिन व्यवसाय के अंदर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक भौतिक संसाधन है एक मानवीय संसाधन है। तो भौतिक संसाधन तो वो हो गए जिनमें भवन उपकरण मशीन या सामग्री तथा पूंजी को सबको एकत्रित करना और इनको अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करना, इनको स्थापित करना, ये तो हो गया भौतिक संसाधनों की नियुक्ति करना। लेकिन भौतिक के साथ साथ हमें मानवीय संसाधनों की भी नियुक्ति करना जरूरी है। जैसे कोई कर्मचारी है उसको उनकी भर्ती निकालना, उनका इंटरव्यू लेना, उनको नियुक्ति करना, उनको वर्क सौंपना, ये सब आता है नियुक्ति करना। या फिर कोई कर्मचारी टाइम पे नहीं आ रहा है, समय पर काम नहीं करके दे रहा है तो उनकी छटनी करना है, उनको निकाल देना। यानी कि ये सब कहां किया जाता है? नियुक्ति के अंदर। कहां किया जाता है? नियुक्ति के अंदर। ऐसे ही तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास नव परिवर्तन या नवाचार। आप देखो नव परिवर्तन या नवाचार, नवाचार का मतलब, नव परिवर्तन का मतलब क्या होता है? नई नई चीजों का आविष्कार करना, नई नई चीजों को खोजना, उसके बारे में जानना। तो देखो नव परिवर्तन, अब आप लोगों को पता है कि इस वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का आजकल अधिक से अधिक यूज हो रहा है। अब देखो आप ही देखो, आप पढ़ रहे हो, घर बैठ के पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये भी टेक्नोलॉजी का ही है। ऐसे ही नए नए आजकल मोबाइल आते हैं बाजार में तो उनके नए नए फीचर आते हैं, सब में अलग अलग ऐप आते हैं, सब में अलग अलग प्रोसेस आती है, तो ये सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की कि पहले के टाइम में जो बड़े बड़े रिटेलर थे वो क्या करते थे, सॉरी बड़े बड़े जो व्यवसायी थे वो रिटेल वर्क करते थे। रिटेल वर्क का मतलब यानी कि ऑनलाइन वर्क या ऑर्डर नहीं ले पाते थे वो। आजकल क्या हो गया, सब बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन अपना वर्क करती है, बेचती है, सब क्या हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब आप देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अगर आपके घर के आसपास जो रेस्टोरेंट है, आप पहले वाले आते थे, आपको कोई आइसक्रीम लेनी है, कोई फास्ट फूड खाना है तो आप वहां से खुद जाके लेके आते थे। आजकल क्या हुआ, उन्होंने जब टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे आविष्कार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने क्या किया भाई, अब जोमेटो ऐप, स्विगी, यानी किस तरह की उन्होंने ऐप को ज्वाइन कर लिया जिनसे जिनके माध्यम से हम घर बैठे बैठे भी आप फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे बैठे भी अपना खाना मंगवा सकते हैं। ये सब क्या है, नव परिवर्तन है, यानी नवाचार, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। और इसके अंदर जो प्रोफेसर हमारे पास पीटर ब्रेकर है, उन्होंने इस प्रक्रिया का जो चरण है उसका जो प्रमुख कार्य क्या बताया, नव परिवर्तन या नवाचार, यानी कि इसको अहम कार्य बताया। क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अगर
डेवलप करना चाहेगा अपनी कंपनी के अंदर, नए नए आविष्कार का निर्माण करेगा, खोज करेगा, तो उसका जो व्यवसाय है वो अपने आप डेवलप होता है, अपने आप विकसित होता है। तो इसलिए इस चीज को उन्होंने पीटर ड्रकर एक नाम से जो प्रोफेसर है उन्होंने इसको महत्वपूर्ण कार्य प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख कार्य है वो बताया है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं संप्रेषण की। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिटी, यानी कि आपस में वार्तालाप करना, संबंध करना, यानी कि प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में वार्तालाप हो, या मैनेजर और जो कंपनी का मालिक है उनके बीच में वार्तालाप हो, या कर्मचारी है जो छोटा मजदूर है उनके बीच में वार्तालाप हो, यानी कि आपसी मनमुटावना होकर के आपसी तालमेल के साथ वो काम करे, अपने आदेश निर्देश संदेश को आदान प्रदान करे। तो ये होता है संप्रेषण, यानी कि आपस में बातचीत करना और कैसे उस चीज की सबकी सलाह लेकर के हम उस व्यवसाय को कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये होता हमारा संप्रेषण यानी कि कम्युनिटी, यानी कि आपस में वार्तालाप करना भी जरूरी है। और लास्ट आता है हमारे पास प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंट करना किसी चीज को, हम किसी के समक्ष रिप्रेजेंट करना यानी कि दर्शाते हैं, यानी कि उनको दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये रिप्रेजेंट अपने व्यवसाय को प्रभावित बहुत जल्दी कर, यानी कि जो भी हमारे भारी घटक है, यानी कि जो भारी जो संबंध है, रिप्रेजेंट कहां किया जाता है, जो भी हमारे भारी लोग हैं, भारी लोग जैसे जो हमारे हो गए वित्तीय लेनदार, यानी कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे हम जिससे हम लोन लेते हैं, यानी कि बैंक, या जो हमारे इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमारे व्यवसाय में पैसा लगाते हैं वो, या फिर गवर्नमेंट, इनको हम अपने जो रिप्रेजेंट है, अपनी जो व्यवसाय की जो प्रति जो दशा है, निर्देश है, वो उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो लोग हैं उनको व्यवसाय के बारे में बताना है कि हम इस चीज का प्रोडक्शन करते हैं और ये हमारा प्रोडक्शन अच्छा है, हम आप उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दर्शाते हैं, उनको बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि हमारी जो कंपनी है या हमारी जो संस्था है वो इस तरह के प्रोडक्ट को निर्माण करती है, जो ये इस तरह से डेवलप है, इस तरह से हमने इसको डेवलप कर रखा है, ये आपके लिए फायदेमंद है, यानी कि इस तरह की जो बातें हैं वो रिप्रेजेंट करना होता है हमें लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने, या फिर जो हमारे जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंटर है उनके सामने, जैसे बैंक हो गया जिससे हम लोन लेते हैं, इनको उनको हम अपनी जो व्यवसाय जो संस्था है उसके बारे की जो दिशा है, उसको जो दशा है उसको हम दर्शाते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो प्रतिनिधित्व है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, और जितना अच्छे से हम रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही हमारा व्यवसाय डेवलप हो पाएगा, यानी कि लोगों के सामने नेगेटिविटी जो सोच है वो ना हो, ना बन पाए, हमारे प्रति पॉजिटिविटी रहे और हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अधिक से अधिक वो शेयर करे या देखे। तो ये सब चीजें होती है प्रतिनिधित्व, यानी कि सहायक कार्यों का भी अहम रोल होता है प्रबंध प्रक्रिया को निभाने में, प्रबंध की जो मैनेजमेंट और प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए भी सहायक कार्य होना जरूरी है। आज हमने पढ़ा निर्णय, नियुक्ति करना, नवपरिवर्तन, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। निर्णय यानी किसी वर्क को करने से पहले उसका निर्णय पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि आज तो हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा नियुक्ति करना यानी कि किस किस कर्मचारी की हमें नियुक्ति करनी है, किन किन लोगों की हमें आवश्यकता है। तीसरा हमारे पास नवप्रवर्तन यानी कि नए नए विचारों का आदान प्रदान करना, नए नए टेक्नोलॉजी को खोजना। और लास्ट चौथा आता हमारे पास संप्रेषण, यानी कि आपस में जो कर्मचारी और मजदूर है उनके बीच में वार्तालाप हो, प्रबंध कर्मचारी के बीच में वार्तालाप हो, या कंपनी का जो मालिक है और जो कर्मचारी है, जो प्रबंध है उनके बीच में भी वार्तालाप होना जरूरी है। लास्ट आता है हमारे पास प्रतिनिधित्व, यानी कि कोई भी जो उस चीज को हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज का हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको दर्शाते हैं गवर्नमेंट के सामने, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंटर होते हैं उनके सामने, जैसे बैंक हो गया जिससे हम लोन लेते हैं, या फिर जो हमारे पास ये कह दो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो हमारे व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सहायक कार्य, कल हमने प्रमुख कार्य पढ़ा। तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लिया तो पूछो या समझने की कोशिश करें कि जब आप हम आपको सामने वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने सामने बुक रखा करो, तो जो अगर आपको समझ नहीं आता वहां अंडरलाइन किया करो और हमसे पूछ रहा करो। ठीक है बेटा, आगे का टॉपिक जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारे पास प्रबंध की है भूमिका, यानी कि जो प्रबंध की जो भूमिका है वो क्या क्या भूमिका है उसकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।